हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल रिजल्ट आ चुका है। रामानुजन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट टीना मुंडू मेरे साथ है, जिन्होंने सीएसआईआर जेआरएफ में ऑल इंडिया लेवल पर 45 रैंक हासिल किया है। कुछ दिन पहले इनका गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ अच्छे रैंक के साथ। तो मैं टीना मुंडू से पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? नेट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। इतना महसूस हो रहा है कि स्ट्रेस माइंड में था, वो स्ट्रेस खत्म हो गया, टेंशन घट गई है। कि आप जो आपकी इतनी बड़ी सफलता है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सक्सेस का श्रेय देना चाहती हूँ सबसे पहले नाम सर को। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है, हर तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की है हमारी, और मेरे पेरेंट्स का उसने उन्होंने साथ दिया है मेरा पढ़ने में। और स्पेशल थैंक्स फॉर माय ब्रदर, उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए और उत्साह बढ़ाया हमेशा मेरा। मेरे फ्रेंड्स को थैंक्स करना चाहूँगी, उपासना मैम, उन्होंने भी मोटिवेट किया है मैम ने हमेशा। मेरे प्रोफेसर्स और सभी मेरे वैल्यूसर्स, सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। आपने जैसा कि एमएससी डिपार्टमेंट कुशेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, कुशेत्र यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का माहौल बड़ा कॉम्पिटिटिव रहता है, तो यहाँ का स्टाफ है, जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर सब बहुत अच्छे हैं, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं वो भी काफ़ी टैलेंटेड हैं। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपकी क्लासमेट का सिविल सर्विसेज आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, तो आप कुछ इस बात पर रोशनी डालें कि कैसा माहौल था स्टूडेंट्स के बीच में, कैसे तैयारी करते थे, कैसा कॉम्पिटिशन था, कैसे प्रोफेसर थे? डिपार्टमेंट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था स्टूडेंट्स के बीच, काफ़ी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे और डिपार्टमेंट का माहौल भी काफ़ी अच्छा है, प्रोफेसर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में जो मैथमेटिक्स को लेके कि किस क्या है मैथमेटिक्स, वो यहाँ पे मैंने काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए हैं डिपार्टमेंट में भी, यहाँ मैंने अच्छे से समझा है मैथमेटिक्स को। जैसा कि आपकी क्लासमेट रितु ने आईएएस क्लियर किया है, आईएएस में अच्छा रैंक हासिल किया है, तो आप लोगों के बीच में कॉम्पिटिटिव माहौल कैसा रहता था? हाँ, कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा रहता था। आईएएस क्लियर की लड़की, हमारी क्लास की लड़की ने, तो वो काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी वो भी पढ़ने में। तो जैसा कि आपको पता है कि रामानुजन इंस्टीट्यूट बच्चों को लाइब्रेरी फैसिलिटी, बुक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, लाइब्रेरी के बारे में, बुक्स के बारे में, कि सुबह शाम तक पढ़ते हैं? लाइब्रेरी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इंस्टीट्यूट का। लाइब्रेरी की वजह से क्या है कि बच्चे जब तक चाहे बैठ के पढ़ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स क्या है कि वो हम जैसे पढ़ रहे हैं वो अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, बट एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करके प्रॉब्लम्स, टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। बुक्स प्रोवाइड की गई है यहाँ पे अलग अलग राइटर्स की, तो बुक्स पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। जैसा कि आप अपनी एमएससी के दौरान से यहाँ पीजी में रह रहे हो और आपने सीएसआईआर नेट की कोचिंग भी पीजी में रहकर ली है, तो आप यहाँ के पीजी के बारे में क्या कहेंगे, कुशेत्र का माहौल कैसा है, यहाँ की पीजी व्यवस्था कैसी है? पीजी का माहौल काफ़ी पीसफुल है, स्टूडेंट्स पीजी में रहकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और खाने की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और आसपास का जो माहौल है वो भी काफ़ी पीसफुल है, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, मैं काफ़ी अच्छा मानती हूँ। जैसा कि अभी कुछ दिनों बाद है सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चे तैयारियों पर लगे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देंगे कि वो कैसे प्रिपरेशन करें? मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि वो अपने सभी कंसेप्ट हर तरह से क्लियर करें, जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़े उसके और भी ज़्यादा मजबूत बनाए उसको, कि उसका क्वेश्चन वो अच्छे से अटैम्प्ट करें और एक अपने सभी पिछले प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर सॉल्व करें अच्छे से, वो सारे सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि कुछ जैसे रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो पिछले पेपर सॉल्व करें उनसे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जैसा कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे आईएससी कर रहे हों, चाहे सीएसआई नेट मैथमेटिक्स कर रहे हों, तो स्ट्रेस काफ़ी रहता है। स्ट्रेस वो इसलिए नहीं रहता कि हमें पढ़ना है, स्ट्रेस रहता है पेरेंट्स का, स्ट्रेस रहता है माहौल का, आसपास के सर्कल का, रिश्तेदारी का, तो इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर पाए और बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करें इस प्रेशर को? हाँ, ये प्रेशर तो देखो हर जगह ही रहता है, ये बात यह है कि इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए ये सोच के कि मुझे सीखना है, हाँ मुझे ये क्लियर करना है, बस मुझे क्लियर करना है, और किसी की साइड हमें पढ़ते टाइम ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम
ये सोचेंगे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, रिश्तेदार भी सोचेंगे, हमें दूसरों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बस हमें पढ़ना चाहिए ये सोच के कि ये एग्जाम है, सिलेबस है, मुझे क्लियर करना है, ये पढ़ के तो मुझे कैसे पढ़ना है। जैसा कि टीना गुंडू ने अभी आप लोगों को बताया कि आप किसी की मत सुने, आप सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जो CSIR जैसा एग्जाम है, IAS जैसे एग्जाम है, ये कंसंट्रेट होकर क्लियर होते हैं, हमें बस स्टडी पे फोकस करना चाहिए। पब्लिक क्या कहती है, दूसरे लोग क्या कहते हैं, इस तरफ ध्यान ना दें। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप है CSIR नेट की तैयारी करें, आप है कोचिंग लें या सेल्फ से तैयारी करें, आप है बस लगे रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।